गोपाल नेगी ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और गाइस बज चुके हैं सुबह के 9 और आज मौसम की बात करें तो गाइस सुबह से धूप आ रही है और आज है हिंदू नववर्ष। तो गाइस आप और आपके पूरे परिवार को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस आज से पहाड़ों में और सभी जगह नवरात्रियां शुरू हो जाती हैं, माता रानी की नवरात्रियां शुरू हो जाती हैं। और आज मैं और मेरे दोस्त लोग जा रहे हैं माँ सिलोर देवी के मंदिर में और आज नवरात्रि का पहला दिन है तो सिलोर देवी मंदिर में आज पहला नहान शुरू होता है, उसके बाद नवरात्रियों में बैठा जाता है 9 दिन के लिए। तो चलते हैं सिलोर देवी में और आपको दिखाते हैं नवरात्रियाँ किस प्रकार से होती है और नहान कितना बड़ा नहान होता है और बहुत जगह के वहाँ लोग आते हैं और बहुत बड़ा नहान होता है। और चलते हैं आप सिलोर देवी, सीधे मिलते हैं आपको सिलोर देवी में और आपको दिखाते हैं नहान। और गाइस आ चुके हैं अपने गांव से और ये आपको जो पीछे से मंदिर दिख रहा है ये है माँ सिलोर देवी का मंदिर और अब वहाँ चलते हैं और उसके बाद चलेंगे नहान में और यहाँ से मंदिर से नहान शुरू होता है नदी तक, फिर यहीं दोबारा आते हैं और नवरात्रियों में बैठते हैं। तो चलते हैं आप सीधे मंदिर और भासु अपने दोस्तों को वहाँ से बुला रहा है। तो गाइस चलते हैं सीधे मंदिर में। Thank you.
आ चुके हैं माँ सिल्लोर देवी के मंदिर से, और वहाँ पे अभी भी देख सकते हो भजन कीर्तन अभी भी हो रहे हैं, और हमने यहाँ से आने दूर तो चलते हैं, और धूप भी लग गया गाइस। मतलब वहाँ पे एक दो और होंगे और उसके बाद शाम को होते हैं, रात को होते हैं वहाँ भजन कीर्तन। और यहाँ पे गांव की लड़कियाँ आ रही हैं, भूमि और सोनी आ रही हैं जो इसकी बहनें हैं, इन दोनों की बहनें हैं वो। और ऊपर से हमारे गाँव वाले भी जा रहे थे, और आपको नहान तो अच्छा लगा होगा, सभी लोग एक ही पहाड़ी संस्कृति जिसे पिछौड़ा कहते हैं, नथ पिछौड़ा और गलुबंदा और अन्य प्रकार के आभूषण पहन के जाते हैं। ऐसे मंदिरों का काम हो या कोई अन्य काम हो, इसी प्रकार से पहाड़ी आभूषण वस्त्र पहन के जाते हैं। तो चलते हैं अपने गांव की ओर। गाइस आ चुके हैं हम सिल्लोर देवी से ऊपर, और यहाँ पे थोड़ा देर यहाँ पे थोड़ा आराम कर रहे हैं। और ये हमारे गाँव वाले गए थे, चार ये गए थे और दो तीन ये बच्चे लोग गए थे, और ये पिछौड़ा पहन के गए थे क्योंकि मंदिरों का कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों में शुभ काम में पिछौड़ा पहना जाता है पहाड़ों में। और ये इस प्रकार से हैं, देख सकते हैं यहाँ पे तीन जने एक ही जैसे लग रहे हैं, यहाँ पे अभी चार हरे गाय एक जैसे लग रहे हैं यहाँ पे। और थोड़ा देर करते हैं यहाँ पे आराम, उसके बाद चलते हैं अपने गांव की ओर। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं पीपल के पेड़ पे, और यहाँ पे हम थोड़ा देर हमने बैठे थे और यहाँ पे थोड़ा ठंडी हवा खाई, और यहाँ पे अभी ठंडी हवा चल रही है। तो गाइस थोड़ा देर यहाँ पे आराम करने के बाद और भास्कर और कानू चले गए, कृष्णा चले गए घर को, और अब हम भी चलते हैं अपने घर की ओर। और गाइस फाइनली घर पहुँच चुके हैं, और इसी ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।